गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इन साइड ऑर्गेनॉन फ्रेंड्स टूडे वी विल बी डिस्कसिंग अनदर रेमेडी ऑफ फोर्थ प्रॉफ एंड एस्टीरिया रूबेंस ठीक है फ्रेंड्स एस्टीरिया रूबेंस जो रेमेडी है ये स्टार फिश से बनाई जाती है फ्रेंड्स मैंने आपके साथ फोर्थ प्रॉफ की और मेडिसिन डिस्कस की है और डेली मैं एक मेडिसिन का वीडियो अपलोड करती हूँ तो अगर आप चाहते हैं मेरे साथ फोर्थ प्रॉफ का मटीरिया मेडिका का सिलेबस कवर करना तो प्लीज़ जल्दी से इनसाइड साइड को सब्सक्राइब कर दीजिए ऑल्सो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा बिकॉज द लास्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन से वो इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर है अस्टीरिया स्वूबेंस में जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे लिखा है ज्यादातर जो एस्टेरियस मेडिसिन है ये साइकोटिक डाइथेसिस के पेशेंट को दी जाती है दैट मींस जिसमें ओवरग्रोथ होने की चांसेस ज्यादा होती है डाइथेसिस एंड फ्लैबी लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसके पर्सन का और इरिटेबल टेंपरामेंट ठीक है ये बहुत ज्यादा इजीली एक्साइटेड हो जाता है किसी भी इमोशन से चाहे वो कोई कोई भी इमोशन हो कॉन्ट्रडिक्शन हो लीस्ट ट्रफल्स से इसके इमोशन चेंज हो जाते हैं ठीक है ये चीज एनाकार्डियम और कोनियम में भी देखने को मिलती है हीट ऑफ द हेड एज एफ सराउंडेड बाई हॉट एयर तो इसका जो पेशेंट है इसको लगता है कि इसका जो सर है वो हॉट एयर से कवर्ड है ठीक है सैंगस कंजेशन टू द ब्रेन एपोप्लेक्सी रेड फेस पल्स जो होती है वो हार्ड फुल और फ्रीक्वेंट होती है तो अगर ब्रेन का कंजेशन है तो हम लोग एसटीरियाज प्रेस्क्राइब कर सकते हैं ठीक है कैंसर ऑफ मैमे एक्यूट लैंसिनेटिंग पेन ड्राॅइंग पेन इन ब्रेस्ट सॉलेंड डिस्टेंडेड एज बिफोर द मैंसेज अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके केस में हम लोग एस्टीरियाज प्रेस्क्राइब कर सकते हैं ऑल्सो फ्रेंड्स इसके जो ब्रेस्ट के सिम्टम्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर अगर मेन्सेज के टाइम ब्रेस्ट टेंडर हो जाते हैं तो हम ये प्रेस्क्राइब कर सकते हैं ठीक है और जो इसके ब्रेस्ट हैं उनमें बहुत ज़्यादा लैंसिनेटिंग पेन फील होता है ठीक है फिर क्या है अ लिविड रेड स्पॉट अपियड ब्रोक एंड डिस्चार्ज ग्रेजुअली इन्वेडेड द एंटायर ब्रेस्ट ठीक है तो एक स्मॉल लिविड स्पॉट से पूरे ब्रेस्ट को कवर करने वाला स्पॉट यहां पर देखने को मिल सकता है ठीक है एंड कई बार इसमें रेडिश ग्रैनुलेशंस भी देखने को मिलते हैं इसका जो पर्सन होता है उसके मसल्स डू नॉट ओबे देयर विल दैट मीन्स इसका जो पर्सन होता है इसमें एपोप्लेक्सी की तो प्रॉब्लम थी ही और ब्रेन के कंजेशन की वजह से अदर मसल रिलेटेड इश्यूज भी देखने को मिलते हैं ठीक है एपिलेप्सी की भी प्रॉब्लम है यहाँ पर जिसकी वजह से जो बॉडी है उसमें ट्विचिंग मिल रही है बिफोर द अटैक मतलब अटैक एपिलेप्सी का अगर आता है तो उससे पहले बॉडी के जो मसल्स हैं उसमें ट्विचिंग मिलती है कॉन्स्टिपेशन ऑब्स्टिनेट इन एफेक्चुअल डिजायर स्टूल्स ऑफ हार्ड राउंड बॉल्स लाइक ऑलिव्स ठीक है तो इसमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इसका जो स्टूल होता है दैट इज हार्ड एंड राउंड बॉल लाइक ऑलिव ठीक है डायरिया वॉटरी ब्राउन गशिंग आउट इन वॉयेंट जेट नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है एंड ये सिम्टम क्रोटोटिक में जेट्रोपा में थूजा में और अदर रेमिडीज में भी देखने को मिलता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर सेक्शुअल एक्साइटमेंट इज इंक्रीज इन द वुमेन ठीक है वुमेन में सेक्शुअल एक्साइटमेंट ज्यादा देखने को मिलती है सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट एस्टीरिया रिब ये रेमेडी बेसिकली साइकोटिक डायसिस के लिए थी और हमने इसमें अदर सिम्टम्स भी देखे नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लेक्चर एंड दैट इज की एग्जामिनेशन में क्या इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर एस्टीरियास का पूछा जाता है वो तो बेसिकली इसके जो ब्रेन के सिम्टम्स है एपोप्लेक्सी और एपिलेप्सी इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है और कई बार इसके जो ब्रेस्ट से रिलेटेड सिम्टम्स है दैट मीन्स फीमेल या फिर आप ये समझ सकते हो कि ग्लैंड से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है सो फ्रेंड्स दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन आई होप यू हैव एंजॉयड इट अगर आपको एस्टीरियास ट्यूबेंस रेमेडी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा इसे अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा एंड ऑल्सो फ्रेंड्स अगर आप डेली फोर्थ प्रॉफ की एक रेमेडी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इनसाइड ऑर्गेनॉन को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू